एसके एंटरप्राइज का ग्लास पाइप बॉटल कटिंग मशीन विथ वाटर डायमंड व्हील। आप ये देख रहे हैं कि ये वाइन बॉटल के दो टुकड़े खड़े दो पार्ट हो रहे हैं। ये पाइप कटिंग बॉटल कटिंग मशीन कहलाता है। इसको मूव करके सेंटर से भी आप काट सकते हो और खड़ा भी काट सकते हो। हैंड प्रोसेस मशीन है, ये साइज वाइज बनता है। पाइप कटिंग है तो लंबे पाइप की दोनों ओर रोलर लगा के लंबा भी बन सकता है। ये भी एक साइड से कटेगा, फिर ये बॉटल को घुमाया जाएगा और नीचे की साइड से हाफ पार्ट कटेगा। इस तरह से बॉटल कट सकती है। दिस इज द बॉटल कटिंग ग्लास बॉटल टू पार्ट इन सिमिलर सेम साइज स्टैंडिंग कट फ्रॉम वन साइड एंड फ्रॉम सेकेंड साइड यू हैव टू मूव द बॉटल एंड अगेन यू हैव टू कट द बॉटल। सो दिस इज द ग्लास बॉटल कटिंग स्ट्रेट एंड टू पार्ट क्रॉस एनी टाइप विथ वाटर एंड हैंड मूवेबल डायमंड ब्लेड। आप देख रहे हो कि ये पूरा बॉटल का पार्ट हो रहा है। ये हाफ कट हो गया। अब सामने की ओर से कट लगाने के लिए इसको सेंटर मिला के ग्लास बॉटल को घुमा दिया जाए और कटर को वापस लेके फिर से इसी तरह से कटिंग चालू करिए। फिर थोड़ा पोर्शन उसको छोड़ देना है ताकि दोनों पोर्शन कटे हुए मिक्स होकर बॉटम तोड़ ना ले। फिर उसको हैंड प्रोसेस से आपको काट लेना है। ये कंप्लीट दो स्ट्रेट पार्ट करने के लिए यानी पार्टिंग हुआ। फिर उसके बाद कटिंग सेंटर कटिंग करना है तो यहाँ से सेंटर कटिंग ये पूरा घूम जाएगा और बड़ी कटर लगेगी। डायमीटर के हिसाब से कटर चेंज कर सकते हो। ये पूरा 360 डिग्री में मूव होता है। और ये पूरा स्लाइडिंग बॉल स्क्रू पर है इसलिए एकदम स्मूथली घूमता है, स्लाइडिंग नहीं है। ये मेन पार्ट तो सीएनसी का एक स्मूथ स्लाइडिंग हो रहा है एकदम इजीली। एक बच्चा भी ये कटिंग कर सकता है, यहाँ ब्लॉकेज नहीं होता है और इवन स्लाइडिंग होता है स्मूथली। पानी का डालना ग्लास चले रहे टूटे रहे उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप देख रहे हो ये नीचे का पोर्शन आधा कटा है, अब दूसरा भी यहाँ तक आएगा। हल्का सा छोड़ देना है, पूरा काटना नहीं है ताकि वो दो पार्ट अलग रहे और हैंड प्रोसेस से उसको धीरे से काट लेना ताकि ग्लास ब्रेक ना हो। ये 25-50 mm से लेके आप 150 mm का कोई भी ट्यूब पाइप बॉटल कट कर सकते हो सेम मशीन पे बिना स्क्रैच हुए। Without scratch, you can cut the glass with two times moving the bottle like this. You can see, first cut is up to here and this cut will come to here. You have to remain 5 mm and cut with hand process. Otherwise, it can break. You can see here there is a little gap.
if we will cut completely, that gap will be break the glass, and the center must be same, otherwise the part will be uneven. So this is trial, but you have to measure and take a line, center line. As per center line you can do it perfectly. इस पर सेंटर लाइन करके आप काटोगे तो सेंटर टू सेंटर कटेगा। ये जस्ट डेमो है, तो ऐसे ही लगा दिया है। आप देख सकते हो कि ये पूरा बॉटम के टू पार्ट में कट हो गया। अब जो बाकी रखा है उसको रखा गया है, वरना हम बड़ी कटर भी लगा सकते थे, लेकिन इतना रखने से दो पार्ट खुले रहते हैं। ये बॉटल जॉइंट होकर टूट नहीं जाती, ये कट गई। अब इसको हैंड प्रोसेस से हल्का सा काट लेना है। सो दिस इज बॉटल कटिंग मशीन, स्ट्रेट टू पार्ट। नाउ वी विल मूव इट एंड देन वी विल शो यू ओडी। इसी पर आप हल्का सा टच कराने से जो कटा हुआ है वहाँ से थोड़ा हल्का सा दबाने से चीज आप ग्राइंडर से भी कर सकते हो। ग्लास कटिंग हो रहा है, ये बॉटल कटिंग मशीन है, वॉटेड कटर, टू पार्ट ऑफ ग्लास बॉटल विथ डायमंड कटर विथ वाटर। ये वॉटेड कटर से बॉटल का टू पार्ट हो रहा है। इस तरह खड़े काट रहा है, ऐसा क्रॉस भी कटेगा इसी मशीन से। ये स्ट्रक्चर मूवेबल है, 360 डिग्री पे घूमता है। ये दो पार्ट में भी काटना होता है, आधा ऊपर से काटो बॉटल घुमा के, आधा काटो। और पूरा काटना है तो डायमंड का लेयर प्लेट के लेयर से फ्लस होना चाहिए, ताकि बीच में पकड़े नहीं। कटने के बाद थोड़ा संभाल के रखना है, वरना वो मिक्स हो जाए जॉइंट होने पर, क्योंकि ये बाजू के प्रेशर होता है वो कटे हुए पार्ट को दबा के कटर को रोकता है, इसलिए उसको भी संभाल के आगे लेना है। इसमें रोकना नहीं है, वरना वो तोड़ देगा बॉटल। लेकिन दो पार्ट में ऊपर नीचे काटना परफेक्शन लाता है, तो पूरा काटने पर ये ग्लास तोड़ने के चांस बढ़ते हैं। ज़्यादा पतला कटर होगा तो वो वाइब्रेट करके बैंड करेगा। बॉटल कटिंग हो रहा है, बॉटल के पार्ट हो रहा है, यानी ट्यूब कटिंग, बॉटल कटिंग इस तरह से होता है। कटर से अभी ये पाइप है, इसके बदले में लंबा ट्यूब हो तो इस तरह से पाइप को कसा जाएगा और दो पार्ट हो जाएंगे स्ट्रेट वाले।
कटर बड़ा छोटा डायमीटर के हिसाब से लगाना होता है। ये पूरा आर पार कटर स्ट्रेट एज ग्लास पाइप बॉटल कटिंग हो रहा है। ये दो बीच में से दो टुकड़े हुए सीधे इस तरह से पानी के साथ डायबल ब्लेड से ग्लास पाइप बॉटल जो भी है वो कट जाता है। इसको क्रॉस में काटने के लिए भी इसी स्ट्रक्चर पे क्रॉस से कटता है। कटर पे जो है वो इसी से ठीक है ऐसा है। ये आपका ग्लास बन गया बॉटल में ड्रिंकिंग ग्लास स्क्वायर राउंड कोई भी है इस तरह से होता है। इसका एक उम्र बड़े करना पड़ेगा कितना को रखना होगा कर लेंगे ठीक है। आप अभी एक बार दो रहते लो खुलो पड़ गया क्रॉस बॉटल क्रॉस कटिंग हो रहा है। एक कटिंग होता है इसी तरह इसको क्रॉस भी करता है। ये डेमो है वेस्ट बॉटल है लेकिन इस तरह से क्रॉस करता है खाली हटागा बहुत देर है। इस तरह से आप छोटा बड़ा कोई भी बॉटल काट सकते हैं क्रॉस सीधा इस तरह से Thank you.
ग्लास बॉटल क्रॉस कटिंग हो रहा है, इस तरह बॉटल का डिग्री चेंज करके आप कम ज़्यादा काट सकते हो, बीच में से काट सकते हो, सीधा काट सकते हो, दो टुकड़े इस तरह का बॉटल काटने का। स्पेशल ग्लास कूप शेप फ्लैट में से तिरछा स्लाइड कटा हुआ और इस तरह का शेप, यानी जो भी शेप चाहिए हो जाता है। पाइप इनर आउटर एज चैम्परिंग डायमंड हुआ। ग्लास पाइप बफिंग मशीन, पाइप ट्यूब बॉटल कटिंग बॉटल थोड़ी चैम्परिंग। ग्लास बॉटल इनर साइड ग्राइंडिंग ऑयल। कॉर्नर है करो, एकदम खुशबूरा तो करो। અહીં પોતાની રીતે કરવું પડે, એ રીતે કરતા રહેવાનું। અને આ મોટો રેડિયસ છે ને એ અડાડો હા ખાલી એક જ મધ્યની બસ એક જ એક ખૂણે કોર્નર જ એટલો કોર્નર સીધો છે એકદમ કોર્નરના આ મોટી રેડિયસને અડાડો આ બે મોટો ભાગ થાય એવો ધીમે રહી બસ ચારે કોર્નર સેટ છે જેટલું થાય એટલું બસ એક જ સરખા થાય બસ આ રીતે બદલીને તમારે જે કરવું એ કરી શકો। આમાં રેડિયસ ડિગ્રીમાં 5 mm થી માંડીને બધું જ છે, એટલે આમાં થશે આમાં ચેમ્પર આવી જાય, આમાં બધે ચેમ્પર અને રેડિયસ આવી જશે, નાની મોટી બધી બોટલ યુઝ થઈ શકે। ये एसके एंटरप्राइज का ग्लास पाइप ट्यूब ग्रूइंग मशीन है, इसमें इस तरह के ग्रू किए जाते हैं डायमंड व्हील के साथ। ये हैंड प्रोसेस मशीन होता है, इससे आप 4 इंच से लेके 6 इंच तक के हाइट और डायमीटर वाले ग्लास का पूरा ग्रूइंग कर सकते हैं। ये बॉल स्क्रू पर स्लाइडिंग होता है सिंगल फेज मोटर पे कंप्लीट में।
पानी अड़व जो थोड़ू वारों पानी नीचे लाई दो भाई थोड़ा पानी ने अड़े यू कर दो नीचे खाली लाओ पानी बहुत ओछू जाए ना अड़े ने पानी બધી બહાર પડે છે ને એ સુધી બહાર અચ્છા એ રીતે બહાર આવે પાણી કાચ ઉપર જ એકલું સેટ કરી દેતો પાઇપ ઉપર પાણી પડે એવું કર્યું તેરી બાજુથી પાછળથી અચ્છા અચ્છા હા બસ આ પરફેક્ટ આ બહુ પરફેક્ટ વ્હીલ બેલેન્સ થશે પછી તો બહુ પરફેક્ટલી જશે આ તો એમને એમ છે તોય હા એટલે એમ એમ રાખીએ છીએ આપણે થિકનેસ દસ એમએમ છે એમ ચાલે ગોળાઈ એ આવી ગઈ નહીં ઓકે હોલ સ્ક્રૂ વાળું તમારું મશીન રેડી ડાયમંડ બીમ મેટલ બોન્ડ ડિસ્ક ટાઈપ પોર્ટેબલ ગ્લાસ એજિંગ મશીન એન્ડ યુ કેન મેક બેલ્ડિંગ એટ ધ સેમ મશીન સ્ટ્રેટ રાઉન્ડ શેપ એની ટાઈપ ઓફ ગ્લાસ યુ કેન ડુ ઓલ ધ aging and beveling on the same you can see this is 6 angle glass same aging and beveling work you can do on the same machine up ડાયમંડ પ્લેટ વાલે પોર્ટેબલ મશીન પર સ્ટ્રેટ લાઈન શેપ ગ્લાસ એજિંગ બેવલિંગ સારા કામ કર શકશો કોર્નર રાઉન્ડિંગ ડિઝાઇન વર્ક ટ્રોફી વર્ડ્સ જો એ બી સી ડી અક્ષર હોતે ઉસકા સારા કામ આપ એકી મશીન પે કર સકતે હો એ ડાયમંડ ડિસ્ક હૈ जो मेटल बॉन्ड है इसी तरह की इलेक्ट्रोप्लेटेड भी आती है उसकी लाइफ कम होती है उसका लाइफ 1-2 साल होता है हल्का सा ग्राइंड करना और तुरंत उसका बेवलिंग करना ये प्लेट रफ मीडियम फाइन 4 इंच 6 इंच 5 इंच 10 इंच 12 इंच इसी तरह के डायमीटर में
बनती है और काम में आती है। ऑन द सेम मशीन यू कैन फिक्स 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच डायमंड प्लेट विथ रफ मीडियम फाइन मैट एंड पॉलिश मस्ट बी ओपन ऑन अनदर बेल्ट और पॉलिशिंग कटिंग मशीन। तो दिस इज द ऑल इन वन मशीन। ऑन दिस मशीन यू कैन मेक कॉर्नर राउंडिंग, राउंड ग्लास एजिंग, कैप्सूल, ओवल डिजाइन वर्क, ऑल द वर्क विथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट। वर्ल्ड ट्रॉफी डिजाइनिंग नॉट ओनली ग्लास बट सिरामिक, वुड, स्टोन, एक्रेलिक, सो मेनी आइटम्स यू कैन डू। यू कैन सी दिस इज अ फाइबर ग्लास प्लास्टिक, सो मेनी आइटम्स यू कैन डू ऑन द सेम डायमंड व्हील। आप इसी मशीन पे ग्लास, सिरामिक, फाइबर, टाइल, ग्रेनाइट, मार्बल सबका ग्राइंडिंग इजीली पानी के साथ टुकड़ा उड़े बगैर कर सकते हो। विदाउट एनी हैजार्डस पॉल्यूशन यू कैन डू ऑल द डिजाइन वर्क। यू कैन सी दिस इज द फिश टाइप राउंड एज। आप देख रहे हो कि ये पानी के साथ टुकड़ा उड़े बगैर, स्वास्थ्य को नुकसान किए बगैर सारा डिजाइन वर्क होता है। प्लेट बदलनी होती है और हाथ से काम करना होता है। दिस इज द एसके एंटरप्राइज न्यू डायमंड प्लेटेड मशीन, ऑल इन वन मशीन, ऑल शेप, ऑल ग्राइंडिंग, बेवलिंग, डिजाइनिंग, ऑल द वर्क यू कैन डू इन द सेम मशीन विथ चेंजिंग प्लेट विथ वाटर। All brush are inside, so water will not come out. Brush अंदर की ओर लगे है ताकि पानी बाहर नहीं आएगा, अंदर ही जाएगा। बॉटल कटिंग के बाद उसकी चिपिंग को ग्राइंडिंग करने के लिए इस तरह से ग्राइंडिंग होता है डायमंड व्हील पर और फिर बाद में पॉलिश होता है। अब जो ग्लास का हम सीधा कटाई है उसको जैम्पर लगाने के लिए आउटर साइड का ये बॉटल कटिंग है उसको जैम्पर लगाने के लिए स्पेशल टूल है, उस पर घुमा के जैम्पर लगाते हैं। और इनर साइड का जैम्पर लगाने के लिए इस तरह से 45 डिग्री से डायमंड टूल पर जैम्पर होता है। ये सारा एक ही मशीन पर हम आपको पूरा वीडियोग्राफी करके दिखाते हैं। नाउ वी आर ग्राइंडिंग बॉटल, ट्यूब एंड सो मैनी आइटम्स। ये ग्लास की जो भी पाइप या बॉटल कटी है उसकी एज, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग का काम हम आपको बता रहे हैं। ये ट्यूब कटिंग का ग्राइंडिंग हो रहा है। ये डायमंड टूल है, मेटल बॉन्डेड। ये पाइप का इस तरह से ग्राइंडिंग होता है। इसी तरह से पाइप बॉटल का जो बेस है, बॉटल बेस है, उसमें से आप वेस्टेज में से एस्ट्रे भी बना सकते हैं। ये एस्ट्रे का भी इसी तरह ग्राइंडिंग करके एस्ट्रे बना सकते हैं। पाइप डिफरेंट डिफरेंट शेप में कटी होती है, उसका भी हम इसी जगह पे ग्राइंडिंग, एज ग्राइंडिंग हो सकता है। ये ऊपर का पोर्शन है, इसी तरह नीचे का पोर्शन सेम बॉटल का हैंड प्रोसेस होता है। एकदम चीपेस्ट और फाइनेस्ट यानी सस्ती चीज़ों को, वेस्ट को वेस्ट में तब्दील किया जाता है। ये ग्रीन बॉटल है, वाइन बॉटल, उसका कटा है
ये हो गया एज ग्राइंडिंग उसका। अब नीचे का बॉटम पोर्शन है जिसमें से ये बॉटल का पोर्शन है उसमें से हम ड्रिंकिंग ग्लास जूस ग्लास बना सकते हैं। इसको पहले ग्राइंड करके उसका एज सिंपल ग्राइंडिंग करके सीधा करना होता है, बाद में मुंह पे होंठ पे नहीं लगे इसलिए उसका जैम्परिंग होता है। सारी प्रोसेस हम वन बाय वन बताएंगे। ये कलर बॉटल है, ऐसे वाइट बॉटल हो कोई भी कलर का बॉटल हो, इसका पूरा ग्राइंडिंग इसी तरह से होता है वाटर बेस डायमंड टूल के ऊपर पोर्टेबल मशीन। ये पॉलिश व्हील है, फाइनल पॉलिश एज पॉलिश बॉटल का होता है, इस पर एकदम स्मूथनेस आता है। खाली अपने को उसको जैम्पर मारने के लिए दूसरे टूल लगते हैं, कलर कोई भी हो ये इजीली पॉलिश हो जाता है। ये ड्रिंकिंग ग्लास वेस्ट बॉटल में से जो ड्रिंकिंग ग्लास है उसका है ये पीस। पॉलिश कम पड़े, ज़्यादा दबाना है, बस यही प्रोसेस है। बॉटल में आउटर जैम्पर के लिए ये स्पेशल टूल से 45 डिग्री है, इसमें आउटर जैम्पर लग जाएगा ताकि पानी पीने में या कोई जगह पे हाथ पे कहीं लगे नहीं। ये ड्रिंकिंग ग्लास बन रहा है, ये आउटर साइड जैम्पर लग गया, वाइट कलर कोई भी हो, ये 45 डिग्री है इसलिए आउटर साइड जैम्पर लगेगा। तो उठा के आप अब इनर जैम्पर बाकी है, उसके लिए टूल चेंज हो जाएगा। ये हम आपको डायमंड टूल पर इंटरनल जैम्परिंग बताते हैं। ये बॉटल में आपको जैम्पर करके दिखा रहे हैं, ये हो गया। अब ग्लास जो पाइप का नीचे का सिरा है वो ग्लास है, पानी पीने का जूस का ग्लास बनाया वेस्ट बॉटल में से ग्लास, उसको मुंह पे होंठ पे लगे नहीं इसके लिए जैम्पर लगाना पड़ता है। तो इंटरनल जैम्पर ये हो गया, कोई भी कलर का है उसका पाइप है ट्यूब है या बॉटल है, वो इनर साइड जैम्पर के लिए इस तरह का टूल होता है 45 डिग्री। कम ज़्यादा डायामीटर पर वो ग्राइंडिंग करता है, लेस डायामीटर ऊपर करेगा बड़ा होगा तो नीचे तक जाएगा। ये इंटरनल जैम्परिंग हो गया, ऑल इन वन सिंगल मशीन, अलग अलग डायमंड टूल्स पर आप इसका काम कर सकते हो।